अपनाता है, परंतु दुनिया में किसी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता से नहीं अपनाया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने। और ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का ये सही चेहरा आपके सामने खड़ा है, लॉर्ड माउंटबेटन। अरे, मैं भारत में शासन करने नहीं आया, मैं तो आप लोगों को शासन सौंपने आया हूँ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर एटली ने जून 1948 में सत्ता सौंपने की घोषणा की है, किंतु मैं चाहता हूँ कि यह सत्ता आप लोगों को 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 में सौंप दी जाए। आज 18 जुलाई 1947 है और ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज से ठीक 28 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को इस देश के भारत और पाकिस्तान नामक दो हिस्से बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें अलग अलग सत्ता सौंप देगी। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र, सिंध और पूरी बंगाल रहेंगे और शेष हिस्सा भारत संघ होगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार जैसी रियासतों पर अपना सर्वोच्च समाप्त कर देगी। अब वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत और पाकिस्तान में मिल सकेंगी अथवा स्वतंत्र रह सकेंगी। हिंदुस्तान के 40% भाग पर 564 देशी रियासतें छाई हुई हैं, जिसपे देशी राजाओं का राज था, अब तक वे ब्रिटिश शासन के अधीन थी। अब 15 अगस्त को वे भारत या पाकिस्तान जिसमें चाहे मिल सकती हैं या वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। कितना खतरनाक है ब्रिटिश राज का फैसला, एक और देश के दो टुकड़े कर दिए और दूसरे और देशी राजाओं को भी स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने 564 भारत बना दिए, एक भारतीय यूनियन, एक पाकिस्तान और 562 स्वतंत्र रियासतें, अर्थात 564 आजाद भारत। देखा आपने कैसी आजादी दी है हमें अंग्रेजों ने, नो आजादी, आजादी ही आजादी, कोई एक आजादी नहीं, 564 आजादियां, 564 आजादियां, 564 आजादियां, 564 सवाल गुलामी का नहीं है,
सरदार पटेल ने साफ साफ कहा है कि समान रूप से साझेदारी हम सबका हित है। अरे अगर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा हमारा सर्वनाश, हम फिर से काट करेंगे राज से। इन कांग्रेस विचार में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। देख लेना, आप सारी जनता को भड़काएंगे और हमारा राज छीन कर रहेंगे। अरे हम तो अंग्रेजों के राज में अच्छे थे, लेकिन ये तो खूब पैर निकले अंग्रेज बहादुर, ये खुद को तुम दबाकर भाग रहे हो, हमें भी डुबो रहे हैं। ये काहे की आजादी है, ये तो हमारी बर्बादी है। अरे किस बात की बर्बादी हमारी, उन्होंने तो सबको आजाद किया है। और जिंदा साहब सही तो कह रहे हैं, भारत साहब की गुलामी करते ही हुए अपने क्यों जिम्मेदार थे। अरे नहीं, हमारे अलग अलग छोटे छोटे राज्यों से तो यह संपूर्ण भारत संघ टूट जाएगा। अरे ये जुड़ा ही कब था, हम राजा लोग हमेशा से ही अलग अलग ही तो रहते आ रहे हैं ना। आप राजा लोग अलग अलग रहकर अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते, कहाँ है आपके पास इतनी बड़ी सेना? और आप लोग तो विदेशों के साथ संबंध रखने भी नहीं जानते, और डाक का रेल जैसे साधन आपके अधिकार में नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट में इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और फिर राजाओं के लिए अधिकारों और आपकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। देखिए सिन्हा साहब में ज्यादा अधिकार दे रहे तो हम पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, हम पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपने अपना अपना भूगोल देखा, ज्यादातर राज्य भारत संघ के प्रदेशों के बीच बसे हुए हैं, तो कैसे जुड़ेंगे आप लोग पाकिस्तान से? और भारत संघ के अलावा कोई विकल्प है आपके पास? और आप अपनी जनता से भी तो पूछ लीजिए, अब जनता की इच्छा के बगैर अब दही का शासन नहीं कर सकता। अगर जनता की इच्छा के बगैर इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य अब यहाँ नहीं टिक सका, तो आप छोटे छोटे राज्य कैसे टिक सकेंगे? गौर से सोचिए। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिसको भी भारत संघ के साथ जुड़ना है तो 15 अगस्त 1947 के पहले जुड़ जाए। अब हम राजा को यह बात समझ लेनी चाहिए कि ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई आजादी से हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। अरे समझो, रास्ता आप जाग चुकी है, अगर वो ब्रिटिश राज को उखाड़ सकती है हमें उखाड़ फेंकने में मुझे क्या देर लगेगी। हमें पाकिस्तान में शामिल होना है और कोई चारा नहीं है हमारे सामने। जनता की नहीं, जनता आजादी चाहती है। हम आप राजा की तरह सही से तब चुके हम आपके द्वारा किए गए
ये राज्य कितनी देर का है? हमें जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए। पत्र को फॉरेन वायसराय के पास भिजवा दो और इसकी खबर तुरंत प्रेस में दे दो। सुना सब, हम जोधपुर के महाराज अमित सिंह हैं। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान हमें सुविधाएं क्या क्या देगा? महाराजा, आप हमारी ओर से महाराजा है और भविष्य में भी आपका राज सलामत रहेगा। यही बात आपके शर्तों की। तो खाली कागज पर मेरे दस्तखत कर दिए हैं, सत्य आप भर देना महाराज। और महाराज हनुमंत सिंह, आप ये सब मेरे बीकानेर के महाराजों को भी तैयार करें। आप हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी हैं। हम बेटर और कांग्रेसी की जोग्राफिया की दलील दे रहे हैं। उनके दिल्ली तो आपसे बहुत दूर है और आपकी कराची आपके बहुत नजदीक है, या नहीं महाराज हनुमंत सिंह? बिल्कुल जिना साहब, दिल्ली हमसे बहुत दूर है, हमसे जुड़ी हुई है। बस एक दिन का मोहलत दीजिए तो हम जो जाकर वापस आएंगे और पाकिस्तान में शामिल होने के करार पर साइन भी कर देंगे। बस एक दिन की तो बात है जिना साहब। इन सब का कौन था? दिल्ली में वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने आपको याद फरमाया है। Keep up।
कर रहा हूँ कि आजादी तो आ गई लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम ऊपर ऊपर से ही अहिंसक सकते, हम केवल विदेशी सत्ता को हटा देने भर के लिए ही अहिंसक सकते, लेकिन विदेशी सत्ता पाने के लिए जो हिंसा हमारे भीतर जिस तरह से धीरे धीरे सुलगती जा रही थी वह आज भयंकर ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी है। मैं अपने जीवन काल में शांति देखने के बारे में लगभग निराश हो चुका हूँ। सत्ता के हस्तांतरण और पाकिस्तान को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे मेरे मन पर भारी बोझ है, इसलिए बहुत समय तक जीने की अपनी शक्ति पर भी मुझे विश्वास नहीं रह गया है। राज्य प्राण है, केवल अंग्रेजी तो तारे हैं, इसलिए इसमें उत्साह और उत्तेजना अनुभव करने की बात ही क्या है। कल 15 अगस्त से हम अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात से हिंदू और मुसलमान दोनों के खून से लथपथ इस भारत के टुकड़े भी हो जाएंगे, इसीलिए कल का दिन खुशी का भी होगा और दुख का भी। इससे हम पर जिम्मेदारी का भारी बोझ भी आ जाएगा। मैं स्वतंत्र भारत के जनप्रतिनिधियों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आज से सत्ता पर आसीन आप लोगों को कांटों का ताज पहनना होगा। सत्य और अहिंसा की सतत साधना कीजिए, विनम्र बनिए, एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बनिए, सत्ता से सावधान रहिए, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। आप याद रखिए कि भारत के गाँव में बसे भूखे नंगे गरीब लोगों की सेवा करने के लिए हमने अंग्रेजों को संप्रदायवाद और जातिवाद के लिए पहुँचा था, अब आप आजाद भारत में कम से कम संप्रदायवाद और जातिवाद को घर फैलाएं। हमने अंग्रेजों को शोषण एवं भ्रष्टाचार के लिए पहुँचा था, अब आप आजाद भारत में शोषण एवं भ्रष्टाचार को घर फैलाएं। हमने अंग्रेजों को सत्ता की हिंसा और सत्ता के आतंकवाद के लिए पहुँचा था, अब आप आजाद भारत में सत्ता की हिंसा और सत्ता के आतंकवाद से बचें। जब तक इस देश में संप्रदायवाद, जातिवाद, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा और गरीबी रहेगी तब तक आज़ादी कहाँ, तब तक तो इस देश की आम जनता गुलाम ही रहेगी। अगर आपने कल के स्वतंत्र भारत में भी सत्ता प्राप्त करने के लिए इन सब को जारी रखा तो इस देश की गरीब जनता को अपनी दूसरी आज़ादी के लिए एक दूसरी लड़ाई फिर से लड़नी होगी। अगर मैं जिंदा रहा तो वह लड़ाई अपने सत्ताधारी लोगों के विरुद्ध मैं खुद लड़ूंगा, अगर मैं नहीं बचा तो मेरे बाद इस देश का हर नौजवान हर हाल में उन भ्रष्टता के खिलाफ उस दूसरी लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। लेकिन ये तय है कि लड़ाई होकर रहेगी, और ये भी तय है कि जिस तरह हमने अंग्रेजों के विरुद्ध इस युग को जीता है उसी तरह हमारे गरीब लोग अपने ही भ्रष्ट एवं सत्ताधारी लोगों के विरुद्ध दूसरे महायुद्ध को भी जीतकर रहेंगे। Thank you.
संघर्ष